नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। औरैया में नेशनल हाईवे पर कार और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। औरैया में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 19 पर कार और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक को सैफई मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे बाबरपुर मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। आज दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को NH-19 हाईवे पर बाबरपुर मोड़ के पास समय करीब 7:45 बजे एर्टिगा कार व सिटी डिलक्स बाइक में टक्कर हो गई थी, जिसमें बाइक सवार शिवा पुत्र संतोष उम्र लगभग 20 वर्ष तथा शिव उम्र 16 वर्ष पुत्र योगेश कुशवाहा निवासी अशोकनगर थाना अजीतमल जनपद और यह गंभीर रूप से घायल हुए थे। सूचना पर तत्काल सचिव अजीतमल द्वारा घायलों को CSC अजीतमल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों द्वारा शिव उम्र 16 वर्ष को मृत घोषित कर दिया गया है तथा गंभीर रूप से घायल शिवा उम्र 20 वर्ष को मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया गया है। एर्टिगा कार व चालक को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। मृतक के शव को मोर्चरी भेज दिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। तहरीर अभी प्राप्त नहीं है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। फतेहपुर जिला के सदर क्षेत्र के पीलू तले में श्री राम राज्याभिषेक का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में 3 धर्म गुरुओं ने भी अपनी पूर्ण रूप से भागीदारी निभाई। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के सदर क्षेत्र के पीलू तले में श्री राम राज्याभिषेक का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 3 धर्म गुरुओं ने भी अपनी पूर्ण रूप से भागीदारी निभाई। यह कार्यक्रम राम राज्याभिषेक मंडल के द्वारा किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कमेटी के अध्यक्ष फरहत अली खान के साथ साथ कई मुस्लिम कार्यकर्ता हैं। तीनों धर्म गुरुओं ने आए हुए राम भक्तों को संबोधित करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल जनपद में कायम है। वहीं तीनों धर्म गुरुओं को मंडल के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही जिले के अधिकारियों के साथ साथ जनपद के सोशल वर्कर को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने राधा कृष्ण व कृष्ण सुदामा का चरित्र चित्रण कर भक्तजनों को भक्ति में लीन कर दिया। यह कार्यक्रम अधरात्रि तक चला। वहीं श्रीराम की आरती राज्याभिषेक के बाद कार्यक्रम का समापन हो जाता है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा होती है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। झांसी में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध शराब के उत्पादन बिक्री और तस्करी रोकने के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। झांसी में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध शराब के उत्पादन बिक्री और तस्करी रोकने के दृष्टिगत जिलाधिकारी झांसी अवनाश कुमार व उप आबकारी आयुक्त झांसी प्रभार झांसी उमेश चंद्र पांडे एवं जिला आबकारी अधिकारी झांसी मनीष कुमार के निर्देशन में आबकारी विभाग झांसी की जनपद में गठित 5 टीमों द्वारा चलाए जा रहे विशेष परिवर्तन अभियान के तहत रविवार को मनोज कुमार श्रीवास्तव तथा हर्ष बाबू आबकारी निरीक्षक झांसी द्वारा उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर गोपेश तिवारी व क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर एवं पुलिस थाना मऊरानीपुर की अलग अलग टीमों द्वारा पोले बाबा बड़ऊ की पुलिया पुनावली सुजवाहा नहर सुखनई नदी के किनारे मऊरानीपुर व डेरा बसरिया इटायल में दबिश दी गई। दबिश के दौरान 110 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 1500 लहन मौके पर नष्ट कर एक महिला आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में 2 अभियोग पंजीकृत किए गए। साथ ही अवैध शराब अपमिश्रित शराब व ओवर रेटिंग के दृष्टिगत जनपद की शराब बियर दुकानों पर टेस्ट पैर चेकिंग करते हुए आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानों में संचित स्टॉक का स्टॉक पंजिका में अंकित स्टॉक से मिलान करते हुए भौतिक रूप से सत्यापन किया गया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। मुरादाबाद के बिलारी में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया। क्या है मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। मामला मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली का है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि 2 नाबालिग बच्चियां जल चढ़ाकर मंदिर से लौट रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर दोनों बच्चियों को बहला फुसला कर ले गया, कहा कि आपके बाबा की तबीयत खराब हो गई है और वो रास्ते में है।
उसके बाद आरोपी ने एक बच्ची को रास्ते में उतार दिया और 14 वर्षीय नाबालिग को जंगल में ले जाकर हवस का शिकार बनाया। नाबालिग से बलात्कार का मामला क्षेत्र में आग की तरह फैल गया। मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मिली तो आरोपी को पकड़ने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में SP देहात क्षेत्राधिकार सर्विलांस सेल SOG टीम गठित की गई। इसके बाद जगह जगह बैरियर लगाकर आरोपी को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। बिलारी पुलिस एवं SOG टीम ने 24 घंटे में ही घटना का खुलासा करते हुए क्षेत्र के गांव नगलानास को जाने वाले रास्ते पर आरोपी आशीष पुत्र हरिराम गांव चौकनी थाना सेफनी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की बचाव में पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर कर उसे पकड़ लिया। पुलिस द्वारा बताया गया कि जिला संभल जिला रामपुर थाना बिलारी में कई गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं जिसमें आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने घायल आरोपी को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उसका मामला ये बता रही है पुलिस की रेप के केस में इन्वॉल्व था ये कुछ समय पहले से, हो सकता है इसे आज पकड़ा हो तो उसके जो है चोट लगी थी राइट लेग में, दोनों साइड से राइट लेग में ही, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में ही उसके जो ब्लीडिंग हो रही थी, घाव था। उसके लिए जो है हमने डॉक्टरी मायना करके और रेफर करा है एक्सरे के लिए, और उसी से कंफर्म होगा कि वो किस प्रकार की चोट है, या मतलब गन सूट है या किसी और से कोई सरिया या किसी किस प्रकार की कोई चीज़ ऐसी है, वो एक्सरे के बाद ही डिसाइड होगा। अब कहाँ ऐसे रेफर कर दिया मुरादाबाद के लिए एक्सरे के लिए भी, और उसके मतलब सर्जरी होना है या इलाज होना है उसके लिए। कल शाम को 6 बजे थाना बिलारी पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हैं जो आशय करके हैं, सन ऑफ हरिराम, इन्होंने ये चुंडारा क्षेत्र के आसपास आए यहाँ पे, और यहाँ पे दो नाबालिग लड़कियों को अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके गए एवं इनके साथ में जो है गलत काम किया। एक लड़की को तो उन्होंने पहले छोड़ दिया था लेकिन दूसरी लड़की को लेके गए थे, और घर वालों ने जब उस लड़की को बरामद किया तो उन्होंने बताया कि इसके साथ में गलत काम हुआ है। तुरंत थाना बिलारी पे जो है इस पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं इसमें विभिन्न टीमों का गठन किया गया। SOG की टीम भी लगाई गई एवं थाना बिलारी और थाना कुंदरकी की टीमें लगाई गई इसको खोजने के प्रयासों में। आज जब हमको मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि ये जो आशय हैं जो फिलहाल सैफनी का रहने वाला है आज इधर सुंडारा क्षेत्र में आया है, पुलिस टीम ने जब इसको घेरने की कोशिश करी तो इसने क्रॉस फायरिंग करी। वहाँ पे फायरिंग में ये घायल हुआ है, इसके पैर में चोट लगी है। इसके पास से दो कारतूस, दो खोखे, एक तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फिलहाल जो घायल हैं उनको उपचार के लिए हमने हायर सेंटर मुरादाबाद में भेज दिया गया है एवं अन्य विधिक कार्यवाही इसमें की जा रही है। सर, इस पर कितने मुकदमे हैं? देखिए, इसमें टोटल अभी जो हमें आपराधिक इतिहास इसका ज्ञात हुआ है उसमें टोटल 11 मुकदमे इसके ऊपर हैं जो कि विभिन्न जो ज़िले हैं रामपुर के भी हैं एवं संभल के भी हैं, तो कई ज़िलों में इसके द्वारा आपराधिक कृत्य किए गए हैं। तो फिलहाल अभी 11 मुकदमे हैं, बाकी इसमें और छानबीन की जा रही है। ज़्यादातर मुकदमे सर किस तरह के हैं? इनमें अलग अलग तरीके के मुकदमे हैं, रेप के भी मुकदमे हैं एवं चोरी के मुकदमे हैं, टप्पेबाजी के मुकदमे, तो अलग अलग तरीके के मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं। मुरादाबाद से CNews संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। सोनभद्र में सवारियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी, पिकअप में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। सोनभद्र में सवारियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, पिकअप में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। सड़क किनारे गहरी खाई में पिकअप गिरी, घटना में दर्जन भारी यात्री घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहन से CHC चोपन कराया गया भर्ती, जहां लगभग आधा दर्जन गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पनारी से बाजार करने ओबरा जा रहे थे पिकअप सवार। घटना की सूचना मिलने पर ओबरा नायाब तहसीलदार पहुंचे चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। पूरी घटना ओबरा थाना क्षेत्र के पनारी ग्राम के फाफरा कुंड की है। गाड़ी पलट गया। कहां पे? कहां से कहां जा रही थी? क्या लोग थे गाड़ी में? 35 लोग गाड़ी में थे। और हॉस्पिटल क्या लोग आए हैं घायल? 12 लोग आए हैं। तो कहीं काम करने जा रही थी? बाजार करने आ रही थी। अच्छा, साप्ताहिक बाजार करने जा रही थी ओबरा। कोई सीरियस भी है? सीरियस तो नहीं है, कोई का गोड़ टूटे है, कोई का पैर टूटा है। बच्चे भी थे गाड़ी में? बच्चे थे। आपका परिचय? मैं नायब तहसीलदार हो रहा हूँ। अभी पता चला घटना यहाँ पर फफरा कुंड पनारी है डैम के आगे,
वहाँ पर एक पिकअप जो है जिसमें कुछ लोग जा रहे थे, ग्रामीण लोग थे, वो लोग जा रहे थे तो घटनाग्रस्त हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो उसमें कुछ लोग चोटिल हो गए। लगभग 8-9 लोग चोटिल हुए हैं, जिनको सूचना पाते ही मौके पर से यहाँ 54 CSC लेकर भर्ती कराया गया है और लगभग 4-5 लोग रिफ़र किए जाएंगे। सर, घटना कब की है और वो लोग कहाँ के लिए निकले थे गाड़ी से? ओबरा मार्केट में ही आ रहे थे, लगभग 1.5 घंटे पहले की घटना है ये। तो पिकअप में कितने लोग सवार थे? ग्रामीण बता रहे हैं लगभग 15-20 लोग रहे होंगे, जो भी हों। तो अभी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है? कोई कैजुअलिटी नहीं है, सबके हाथ पैर में थोड़ी चोटें आई हैं और 4 लोगों को रिफर किया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।